जनपद रुद्रप्रयाग के शिव मंदिरों में श्रावण मास के आखिरी सोमवार को भक्तों की सुबह से भीड़ उमड़ी रही। वहीं आज हम आपको जनपद रुद्रप्रयाग के दूरस्थ ग्राम पंचायत छिनका में स्थित एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहां पौराणिक समय से अर्ध शिव लिंग एक अर्ध नंदी की स्वयंभू मूर्ति आज भी मौजूद है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई मान्यताओं के आधार पर नागरासु से एक गाय रोज अलकनंदा नदी पार करके हमारे गांव छिनका में आती थी और महादेव में मौजूद पत्थर पर दूध देकर चली जाती थी। गाय वापस घर आती और दूध कम देती तो मालिक परेशान हो गए। उन्होंने एक दिन गाय का पीछा करते हुए छिनका पहुंचे और देखा तो गाय यहां पर एक पत्थर के ऊपर दूध दे रही है। गाय के मालिक ने गुस्से में आकर महादेव के स्वयंभू लिंग पर खंडित कर दिया तथा तब से आज तक यह अर्ध शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। इसके तहत ही सावन के अंतिम सोमवार को छिनका गांव के प्रधान देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में समस्त ग्रामीणों द्वारा महादेव मंदिर में कीर्तन भजन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्तों ने भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हुए क्षेत्र व विश्व शांति की प्रार्थना मांगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है सावन का लास्ट सोमवार है और हमारे गांव ने, हमारे ग्राम सभा ने जो है यहां पे अखंड रामायण और एक जो है क्या बोलते हैं भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें हमने सभी समस्त अपने क्षेत्र के कोटगी भटवाड़ी हमारे जो है सुंदरवाणी सारी लोगों सभी लोगों को इन्वाइट किया था। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे, कई लोग जैसे होते हैं कि हमारे यह कि कई हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि जो है शिवालय में नहीं जा पाते हैं, तो हमने ये सोचा क्यों ना अपने गांव में जो है भव्य आयोजन किया जाए इसके लिए, तो यही इसका हमारा उद्देश्य था। धन्यवाद जी। ये तो हमने भी कभी सुना था कि यहाँ पर पहली बार नगरासु से कोई गाय यहाँ पर दूध लिंग में दूध डालती थी, तो उसने बोला यार ये गाय सवेरे दूध देती है शाम को नहीं देती है, इसका दूध कहाँ जा रहा है। तो एक दिन वो गाय के पीछे पीछे गाय तो नदी पार करके आ गई और वो किसी पुल के रास्ते यहाँ आया, तो उसने देखा कि गाय जो है शिवलिंग में दूध डाल रही है और नंदीगण में, तो उसको गुस्सा गया। उसने कहा कि पाल में रहा हूँ जो पत्थर में दूध डाल रही है, तो उसने उस नंदीगण का भी छिड़का दिया और जो हमारा लिंग था शिवलिंग उसको भी खंडित कर दिया। और आज भी उस फिर नहीं है, पता नहीं कहाँ फेंका उसने, क्या किया, उसको गुस्सा आया होगा। उस दिन से आज ये शिवलिंग आपलिंग है, यहाँ कोई राय लगाए कोई वो नहीं है, मूर्ति नहीं है, उस आपलिंग है वहाँ पर। हमारे पूरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत छिनका, महिला मंगल दल और ग्राम प्रधान जी, समस्त ग्राम सभा हमने अमूल द्वि दिवसीय कार्यक्रम रखी और वे माँ रविवार दिन भी अखंड रामायण हुए। आज सोमवार श्रावण महीना लास्ट सोमवार तो समापन हुए और हमारी यहाँ सिंधुराणी कोट की दूर दूर बिटिन कई ग्राम सभा बिटिन आया छिन और मैं वो तो अपने ग्राम सभा में स्वागत भी कर दूँ और वो तो बहुत बहुत बधाई भी दे दूँ। मैं भगवान शिव से, भोले शंकर से, अपना पांच पांडव देवताओं से, माता उपराय से ये प्रार्थना कर दूँ कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबको आरोग्य रखे और सबका परिवार होता है कुशल राज खुश रखे। धन्यवाद।